असुर, ये उचित नहीं किया तुमने। उत्तर दूंगा हनुमान, तुम सबका संकट मोचन हनुमान समाप्त कर दिया मैंने उसे। हनुमान जैसे वरदानी बालक को भी समाप्त कर दिया इस दुष्ट ने। अंत का हनुमान कांत कर दिया मैंने। पत्थर भी तरल हो जाते हैं किंतु हनुमान पर मेरे विष का प्रभाव नहीं हुआ। दुष्ट वानर, तुम भी बचोगे नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हनुमान की वज्र समान देह पर मेघासुर के विष का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। नहीं हनुमान, नहीं। हनुमान को लीलकर तुमने स्वयं ही अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे दिया है मेघासुर। नहीं हनुमान, मेरे उदर में स्थित विष के घातक प्रभाव को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाओगे।
लो गरुड़ो, तुम्हारे रक्षक हनुमान का भी अंत हो गया मेरे उदर में। विस्तर विकराल हूं मैं। हनुमान अवश्य ही अपने देह का आकार बढ़ा रहा है। अपने गरुड़ों के अंडे बचाकर आपने नाग समाज पर लगने वाले बहुत बड़े कलंक से हमें बचा लिया। पंचपन जी, जब तक हनुमान है तब तक हनुमान नागों पर कोई भी कलंक नहीं लगने देगा। हनुमान, आपने हमारे अंडे बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। महाराज जटायु, ये लीजिए आपका दिव्य पंख। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान, तुमने हमें बहुत बड़े संकट से उबारा है। हम इसके लिए जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। हनुमान, सत्ता के लोभ ने मेरा विवेक हर लिया था, मुझे क्षमा कर दो। से बड़े हैं चित्रकेतु जी, बड़े क्षमा नहीं मांगते, आशीर्वाद देते हैं। कल्याण हो। धन्यवाद चित्रकेतु जी। महाराज, मैंने अपने ही समाज से द्रोह किया, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, इसके लिए कोई भी दंड स्वीकार्य है। सेनापति चित्रकेतु, पश्चाताप की भावना ही अपराध का निवारण करती है। आपका दंड यही है कि आप अपना कर्तव्य सचेत रहकर पूर्ववत करते रहें। महाराज जटायु, आप सबका अपराधी मैं हूँ, मैंने ही वो दिव्य पंख। नागभूषण, अंत भला तो सब भला। पुरोहित जी, ये लीजिए दिव्य पंख और इन्हें भी मंत्रित कर हम गरुड़ों के उड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। महाराज जटायु, मेघासुर से यह दिव्य पंख तो प्राप्त हो गया, किंतु इसका कुछ अंश अभी भी शेष है। महाराज जटायु, मेघासुर से यह दिव्य पंख तो प्राप्त हो गया, किंतु इसका कुछ अंश अभी भी शेष है जो इन नाग सैनिकों के पास है। भागो यहां से, भागो। हमारे भी प्राण संकट में है। अभी भी दिव्य पंख का कुछ अंश नाग सैनिकों के पास है। रुक जाइए, देखिए
यदि आप सबके पास दिव्य पंख का अंश है तो वापस लौटा दीजिए। सैनिकों, लौटा दो दिव्य पंख का अंश, अन्यथा मेघासुर के साथ क्या हुआ ये तो तुम देख ही चुके हो। आचार्य जी, आप इनको अभिमंत्रित करने के लिए विधिवत यज्ञ आरंभ कीजिए, ताकि महाराज जटायु को और सबको उड़ने की शक्ति पुनः प्राप्त हो सके। अवश्य ऐसा ही होगा पुत्र हनुमान। महाराज जटायु, मैं समस्त नागों की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। महाराज पंचपन, एक दुष्ट नाग की वजह से सबको दंड नहीं दिया जा सकता। महाराज जटायु, आशा है हमारे बीच पुनः मित्रता और सौहार्द का संबंध स्थापित हो जाएगा। अवश्य महाराज पंचपन, मित्रता सदैव बनी रहेगी। मरकट बार बार हमारे मार्ग में बाधा बन कर आ रहा है। मेघासुर का भी अंत कर दिया इसने। इसका अर्थ यह है कि मुझे दिव्य पंख प्राप्त नहीं हो पाएगा, ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगा ये महानतम वाली। तू हुआ क्या? मेघासुर की मृत्यु के पश्चात वो दिव्य पंख गया तो गया कहाँ? मेघासुर के मृत होते ही वो दिव्य पंख वानर बालक के हाथ में चला गया, जिसे उसने गरुड़ों के हाथ में दे दिया। फिर तुम यहाँ आए कैसे? मैं सबकी दृष्टि से छुपते छुपाते हुए, मैं किसी प्रकार सबकी दृष्टि से छुपकर यहाँ तक रेंगते हुए आया। दिव्य पंख तो लाए नहीं तो फिर क्या नरगल प्रलाप करने के लिए मेरे सामने आए हो? किंतु मैं रिक्त हाथ नहीं आया हूँ। मैं उनसे छुपाकर उस दिव्य पंख का एक लघु अंश लेकर आया हूँ। तो एक लघुवंश मात्र है। क्या इसी का स्वप्न दिखाया था आपने मुझे दशानन? ये कुछ काम का नहीं। संकेश,
आपके महाराज वाली को क्या हो गया? ओम नमः शमशान निर्वाण रूपम विवापक ब्रह्मरूपम ओम भद्र करणे विष्णुम द्रवत पश्चिमाश भित्र ओम भद्र करणे विष्णुम द्रवत पश्चिमाश भित्र ओम नमः शमशान निर्वाण रूपम ब्रह्मरूपम to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.